हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फॉर यू। तो लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है भाई। इसमें हम टाइप 2 की कन्वर्जन देखेंगे। टाइप 2 की कन्वर्जन क्या थी भाई? किसी भी बेस आर को आपने कन्वर्ट करना था भाई डेसिमल में, क्लियर। तो इसका क्या रूल्स होंगे वो सारी चीज़ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द कन्वर्जन नंबर 2। तो मान लीजिए मेरे पास कोई बाइनरी नंबर गिवन है, उसको मैं किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ? डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, क्लियर। तो ध्यान से सुनना भाई, इसके जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। मान लीजिए कोई बेस आर मेरा 2 है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है भाई डेसिमल नंबर में, क्लियर। तो पिछले लेक्चर में जो अपनी फर्स्ट कन्वर्जन आपने देखी थी, कोई डेसिमल नंबर आपको गिवन था, उसको आप किसी भी बेस आर के साथ चेंज करते थे। तो कैसे चेंज करते थे? जिस भी बेस में आपने कन्वर्ट करना था उसके साथ हम डिवाइड करते थे, उसका रिमाइंडर देख लेते थे क्या होगा, क्लियर। तो अब मेरे पास उल्टा है, कोई बेस आर है, उसको आपने कन्वर्ट करना है भाई डेसिमल में, उसका रूल देखिए भाई क्या होगा। जिस भी चीज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले जो भी डाटा आपका गिवन होगा, तो आपने भाई राइट्स टू लेफ्ट तक आपने 0 से स्टार्ट करके इसके ऊपर नंबर मार्क कर लेने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर। फिर आपने इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देना है भाई। देखिए कैसे, ये जो पहला अक्षर है इसको ऐसे लिखिए इनटू, जो भी बेस होगा आपका उसको लिखिए, और जो अक्षर आपने लिखा है 1, उसके ऊपर जो लिखा होगा आपने नंबर जो लिखा है उसको 2 की पावर लगा देना है, समझ रहे हैं पॉइंट। आगे सुनिए, प्लस, एक एक नंबर को प्लस प्लस करते जाएंगे, प्लस अगला नंबर कितना है 1 इनटू, बेस कितना है 2, उसकी पावर कितनी आएगी राजी 6, प्लस अगला नंबर कितना है 0 इंटू, बेस कितना है 2, उसकी पावर कितनी है 5, आगे कितना है 0 इंटू 2 की पावर कितनी है राजी 4, प्लस आगे कितना है 1 इंटू 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, प्लस आगे क्या है भाई 1 इंटू 2 की पावर कितनी आ जाएगी, ये देखिए 1 के ऊपर कितना लिखा हुआ है 2, इसका मतलब 2 की पावर 2। आगे नंबर कितना है भाई 0 इंटू 2 की पावर कितना 1, प्लस आगे नंबर कितना है 1 इंटू 2 की पावर कितना भाई 0, समझ रहे हैं पॉइंट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे भाई, 2 की पावर 7 कितना होता है, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64 इंटू 2 128, इसका मतलब ये कितना होता है 128। 2 की पावर 6 तक कितना था भाई 64 था, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 इंटू 1 8, प्लस 2 की पावर 2 मीन 4, प्लस 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 1 इंटू किसी भी चीज़ की पावर 0 हो उसका आंसर कितना होता है भाई 1। अगर मेरे पास 1000 है, इसकी पावर 0 है, उसका आंसर भी 1। मान लीजिए 100000 है, उसका भी पावर मान लीजिए 0, उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। किसी भी चीज़ की पावर 0 मीन्स आंसर इज 1, क्लियर। तो इनटू क्या आ जाएगा राजी 1 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को हम सभी को ऐड करेंगे, 8, 4, 12, 1, 13, 13 और 64 कितने हो जाएंगे 7, 7, इसका मतलब 128 प्लस 77, तो कितना आंसर आ जाएगा, इनको ऐड कर लीजिए भाई 128 और 77 कितना बनेगा 15, हासिल गया 1, 9, 1, 10, 205, इसका मतलब इस बाइनरी का जो मेरे पास आंसर आएगा दैट इज 205, क्लियर है भाई पॉइंट। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई, सबसे पहले जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसके ऊपर आपने राइट टू लेफ्ट करके 0 से स्टार्ट करके नंबर लिख लेने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जितने नंबर गिवन होंगे वहाँ तक मेरा ये काउंटिंग चलती जाएगी, क्लियर। इसके बाद क्या करना है, ये जो पहला नंबर होगा इसको एज इट इज लिखना है, इसको नीचे लिखिए इनटू जो भी मेरा बेस होगा, आगे मैं और बेस के लिए भी बताऊंगा, उस बेस की जो नंबर आपने लिखा होगा उतनी पावर लिखनी है, प्लस अगला नंबर इनटू बेस कितना है 2, उसकी पावर कितनी 6, प्लस अगला नंबर 0 इनटू 2, 2 इज बेस, पावर कितनी 5, अगला नंबर फिर 0, 2 की पावर कितना 4, प्लस 1 इनटू बेस 2 था, 2 की पावर कितना 3, प्लस 1 इनटू 2 की पावर 2, प्लस 0 इंटू 2 की पावर, ये देखिए ऊपर 1 है तो 1, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, क्लियर। अगर इसको क्रॉस चेक करना है मीन्स आपने ये कन्वर्ट सही किया है या नहीं, आपको पता है भाई, आप ऐसा कर लीजिए जो 205 10 है इसको कन्वर्ट करके देख लो भाई बाइनरी में, आपको पता चल जाएगा भी आपका आंसर जो सही आया या नहीं, क्लियर। तो ये कन्वर्जन आपकी टाइप नंबर 1 नहीं बन गया आपका, तो टाइप नंबर 1 कैसे देखते हो भाई, जिस भी नंबर में कन्वर्ट करना है उसको उसके साथ डिवाइड करके देख लो। इसका मतलब 205 को मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ भाई 2 के साथ, कितना आएगा
एक दूनी दूनी जीरो, दो दूनी चार, एक रिमाइंडर आ जाएगा, पाँच दूनी दस, एक दूनी दूनी, तो जीरो आ जाएगा, दो पे जाएगा, दो दूनी चार, पाँच दूनी दस, एक बचेगा, दो पे जाएगा, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, एक बच जाएगा, छः दूनी बारह, रिमाइंडर जीरो, हाँ जी तीन दूनी छः, रिमाइंडर कितना जीरो, दो पे जाएगा, एक दूनी दूनी, एक क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, क्लियर। तो इसको मैं बॉटम टू अपवर्ड जाऊंगा, कितना आएगा, वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो वन, क्लियर। तो इसके साथ मैच करके देखिए भाई, सेम बन रहा है, डबल जीरो डबल वन डबल वन जीरो वन, क्लियर। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है भाई, करेक्ट है, क्लियर। तो आगे कन्वर्जन देख लो भाई, एक दो और मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर गिवन था भाई, वन जीरो जीरो टू वन फोर, मान लीजिए बेस पाँच का था, इसको आपने कन्वर्ट कर देना भाई टेन के अंदर, क्लियर। बेस टेन में आपने कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो सबसे पहले सेम रूल आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इसका मतलब क्या आएगा, जो भी नंबर लिखा हुआ है वन इंटू पाँच की पावर, जितना ऊपर लिखा होगा पाँच, प्लस अगला नंबर कौन सा है, जीरो इंटू पाँच की पावर कितनी है भाई फोर, प्लस अगला नंबर कितना है जीरो पाँच की पावर, जीरो के ऊपर कितना है तीन, तो पावर तीन, प्लस दो गुना पाँच की पावर कितनी भाई, हाँ जी हम ये नंबर लिख रहे थे तो पाँच की पावर इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है टू, प्लस वन इंटू पाँच की पावर कितना वन, प्लस फोर इंटू पाँच की पावर कितना राजे जीरो, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, तो पाँच को पाँच बार मल्टीप्लाई करना है भाई, ये देख लो कितना होगा, पाँच पाँच पच्चीस, एक सौ पच्चीस, छः सौ पच्चीस, छः सौ पच्चीस इंटू पाँच करके देख लो भाई, पाँचों पाँच पच्चीस, दस दो बारह, तीस और इकतीस, इकतीस सौ पच्चीस, प्लस जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, प्लस दो इंटू पाँचों पाँच पच्चीस, प्लस पाँच, किसी भी चीज़ की पावर जीरो मीन्स आंसर इज़ वन, फोर इंटू वन फोर आ जाएगा, क्लियर। तो आंसर कितना आएगा, इकतीस सौ पच्चीस प्लस पच्चीस दूना पचास प्लस नाइन, तो इकतीस सौ पच्चीस में ऐड कर देंगे 59, क्लियर। तो कितना बचेगा, नौ पाँच चौदह, हाँ सर गया एक सात और एक आठ, इकतीस सौ चौरासी मेरा आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब इसकी जो कन्वर्जन डेसिमल में होगी दैट इज इकतीस सौ चौरासी, क्लियर। अगर इसको आपने वेरीफाई करना है तो सेम रूल, इकतीस सौ चौरासी लिखिए, इसको डिवाइड बाई पाँच करते जाइए और देखिए इसमें कन्वर्ट आपका कर देना, डेसिमल टू पाँच भी इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। छः पाँच या तीस, छः पाँच या तीस, अठारह बचेगा, पाँच तीस पंद्रह, चौंतीस बचेगा, छः पाँच या तीस, एलसीएम कितना आया, सॉरी रिमाइंडर कितना आया चार, फिर पाँच पे जाएगा, एक पाँच या पाँच या दो पाँच या दस, फिर बचेगा सात पाँच या पैंतीस, एलसीएम कितना आया, सॉरी रिमाइंडर कितना आया एक आया, आगे सुनिए, दो पाँच दस, पाँचों पाँच पच्चीस, दो एलसीएम आएगा, पाँचों पाँच पच्चीस, जीरो आपका रिमाइंडर आएगा, फिर पाँच पे जाएगा, एक पाँच या पाँच या जीरो, तो कैसे लिखेंगे, वन जीरो जीरो टू वन फोर, समझ रहे हैं पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो आंसर है वन डबल जीरो टू वन फोर, क्लियर। तो आपने वेरीफाई कर लिया भाई, आपका जो आंसर है भाई वो क्या आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, क्लियर। एक दो कन्वर्जन और देख लेते हैं भाई, मान लीजिए कोई बेस मेरे पास है टू वन फोर सिक्स, ठीक है, और इसका बेस मान लीजिए आठ है, इसको आपने कन्वर्ट करना है भाई 10 में, 8 का मतलब क्या भाई, 8 का मीनिंग होता है ऑक्टल इनटू डेसिमल, समझ रहे पॉइंट। जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करना हो रूल आपका सेम रहेगा, 0 1 2 3, इसका मतलब नंबर कितना है 2 इनटू 8 की पावर कितना लगेगा भाई 3, प्लस 1 इनटू 8 की पावर कितना 2, प्लस 4 इनटू 8 की पावर कितना 1, प्लस 6 इनटू 8 की पावर कितना 0। तो सॉल्व करिए, 8 8 64 इनटू 8 करिए 32, 51, 512, 512 इंटू दो करेंगे, प्लस आठ आठ चौंसठ, प्लस आठ चौका 32, प्लस 6 इंटू आठ की पावर जीरो कितना होता है भाई 1 होता है। इसको सॉल्व करिए, 1024 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 70, 70 और 32 102, और इसमें ऐड कर देंगे 102, कितना बचेगा 6211, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 1126, क्लियर। अगर वेरीफाई करना है इसको 1126 10 को, आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो भाई, बेस नंबर 8 को कन्वर्ट करके देख लेते हैं भाई, 1026 को कन्वर्ट कर लेते हैं भाई
8 के साथ, तो डिवाइड बाय 8 करेंगे तो कितना जाएगा, 1 पे जाएगा, 32 बचेगा, 8 चौका 32, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 6 मेरा रिमाइंडर बचेगा, 0 जाके 6 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, क्लियर। तो अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है ना तो इसको डिवाइड करके देख लिया करो, क्लियर, कितना रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। आगे सुनिए, फिर मेरा 8 पे जाएगा, कितना जाएगा, 8 दूनी 16 होते हैं, तो यहाँ पे 14 है, 8 जाएगा, 8 6 14 6 बचेगा, 60 बचेगा, 60 देख लो कितने पे जाएगा, 8 के 60 50 8 8 64 होते हैं, 7 पे जाएगा 54, मीन 4 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, फिर 8 दूनी 16 रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो कितना बचेगा, 2146, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा राजी, 2146। इसका मतलब आपकी जो कन्वर्जन है भाई बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं दोनों पैरेलल में पहली और दूसरी की रिवीजन करवा रहा हूँ भाई साथ साथ, आगे एक दो और कन्वर्जन देख लेते हैं भाई। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर एक और गिवन है, मान लीजिए वो 7 में गिवन है, ठीक है, तो मान लीजिए 1024 और यहाँ पे बेस 7 है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है भाई, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो रूल सेम 0 1 2 3, इसका मतलब 1 × 7 की पावर कितना, 3 प्लस 0 × 7 प्लस 2 × 7 की पावर कितनी, 1 प्लस 4 × 7 की पावर कितना, 0, 7 की पावर 3 होता है 343 प्लस 0 प्लस 7 × 14 प्लस 4 कितने हो गए, 18, इसमें 18 ऐड कर दो, 8 3 11 हासिल किया, 1 4 और 2 6 361, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा भाई, 361। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता 361 डेसिमल इनटू आपने कन्वर्ट करना भी बेस 7 में, आपने क्या करना था, 361 को हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, 7 5 35 11 बचेगा, 1 7 7 8 4 मेरे एलसीएम आ जाएंगे, 7 पे जाएगा तो 7 6 42 7 7 49 7 पे जाएगा, 2 मेरा एलसीएम बचेगा, देन 1 पे जाएगा एलसीएम कितना, 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1024, तो कितना था मेरे पास, 1024, क्लियर। तो ऐसे भी आप देख सकते हो भाई 1024, समझ रहे पॉइंट। तो नेक्स्ट देखिए भाई, तो इसका मतलब ये हुआ आप किसी भी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 21210A, क्लियर, यहाँ पे 16 हेक्साडेसिमल गिवन है भाई और इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट सेम 0 1 2 3, क्लियर, तो कितना आ जाएगा, 2 × 16³ प्लस 1 × 16² प्लस 0 × 16 प्लस a का मतलब कितना होता है भाई, 10 × 16³ कितनी, 0, क्लियर। तो सेम रूल आ जाएगा भाई, ये हो जाएगी कन्वर्जन हेक्साडेसिमल इनटू बेस 10। तो 16 की क्यूब देख लो भाई, 16 × 16 256, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, 36 30 33, 3 गए हासिल 12 3 15 × 652 कितना आ गया, 6 9 10 3 1 4, तो 4 इसका आ गया 2 × 496 प्लस 256 प्लस 0 प्लस 10 × 16³ कितना हो जाएगा, 1, इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 12 18 1 19 8, तो 8101 में प्लस 256 प्लस 10 कितना बच जाएगा, यह 266 कितना हो जाएगा, 8 9 6 15 हासिल किया, 1 4 8458, इसका मतलब हेक्साडेसिमल में इसकी कन्वर्जन होगी 8458, क्लियर। अगर आपने इसको क्रॉस चेक करना है, ये आपने खुद करना है, 8458, इसको आपने डिवाइड कर देना भाई 16 के साथ, जैसे ही 16 के साथ डिवाइड करोगे मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये मेरी जो कन्वर्जन हो जाएगी, ये हो जाएगी 8458 बेस 10 इंटू किस में करना भाई, 16 में, अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये थी भाई आपकी कन्वर्जन नंबर 2, किसी भी बेस आर में अगर कोई चीज़ गिवन है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में आपने कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। अब थर्ड टाइप की कन्वर्जन देखते हैं, बेस नंबर आर टू बेस नंबर एस, तो उसमें देखते हैं अभी कन्वर्जन 3 में क्या होगा। तो कन्वर्जन नंबर 3 लिखिए भाई, मान लीजिए कोई बेस आर था, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है बेस नंबर एस, क्लियर।
ऐसा आपका डेसिमल नहीं है, समझ रहे हैं पॉइंट। मान लिए बाइनरी टू ऑक्टल करना है, ऐसी कोई चीज़ है, क्लियर। चलो मैं बाइनरी और ऑक्टल की ही एग्जांपल ले रहा हूँ, 1100 1011, क्लियर। ये मेरे पास बेस कितना है, 2 है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है भाई ऑक्टल में, क्लियर। तो भाई इसमें जब भी हम कन्वर्ट करना है किसी नंबर आर टू एनी नंबर एस, मीन्स एस का मतलब बेस एस पे, जब भी कन्वर्ट करना है इसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी बेस आर गिवन होगा उसको सबसे पहले बेस 10 में चेंज करेंगे, फिर बेस 10 को आपने जिस भी बेस पे लेके जाना है उस बेस में हम कन्वर्ट करेंगे, समझ रहे हैं पॉइंट। मीन्स बीच में से एक पाथ डिसाइड कर देंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, डेसिमल नंबर, बिकॉज हमें पता है डेसिमल टू किसी नंबर आर पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं और आर टू कोई डेसिमल नंबर पे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लियर। अगर आर टू एस जाना है तो सबसे पहले आर टू डेसिमल जाएंगे, देन डेसिमल टू क्या जाएंगे, एस जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ इस कन्वर्जन के लिए जो भी ये मेरे पास कन्वर्जन है इसका जो स्टैंडर्ड रूल ये रहेगा, आप कोई भी बेस आर है उसको सबसे पहले 10 में कन्वर्ट करिए, फिर जो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा उसको कन्वर्ट कर दीजिए एस में, ये हो जाएगी आपकी टाइप नंबर 3, तो ये हो जाएगी टाइप 3 कन्वर्जन, क्लियर है भाई पॉइंट। तो करिए भाई स्टार्ट जल्दी से। तो सबसे पहले 1100 10112 इसको आपने कन्वर्ट कर देना भाई डेसिमल में, फिर जो भी डेसिमल मेरा आएगा उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा भाई बेस 8 में, क्लियर। तो एनी नंबर आर इन टू डेसिमल टाइप 2 बन गया जो अभी अभी आपने देखा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये चीज़ करेंगे। तो आगे भाई ये जो 1 होगा, 1 × 2 की पावर 7 प्लस 1 × 2 की पावर 6 प्लस 0 × 2 की पावर 5 प्लस 0 × 2 की पावर 4 प्लस 1 × 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर कितना आ जाएगा राजी, 0 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, क्लियर। तो 2 की पावर 7 कितना होता है, 1 × 2 × 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32 32 × 100 1 2 3 4 5 6 64 × 128 इसका मतलब बन जाएगा 128, ये हो जाएगा 64, 0 × something 0 0 × something 0, 2 की पावर 3 होता है 8, 0 × something 0, 2 × 1 2 हो जाता है, 1 × 2 की पावर 0 कितना होता है भाई 1, 1 × 1 1 हो जाता है, क्लियर। इसका मतलब आंसर कितना आएगा भाई, 10 और 1 11, इसमें 11 ऐड करूंगे कितना बचेगा 575, इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो 8 5 13 7 2 9 1 10 हासिल किया 1 203, इसका मतलब इस बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल में कितना हो जाएगा 203, क्लियर। अब 203 जो मेरे पास आएगा इसको आपने कन्वर्ट कर देना भाई 8 में। तो कन्वर्ट 8 में देखिए कैसे करेंगे, तो अब ये टाइप कौन सी बन गई भाई, टाइप नंबर 1 बन गया ना, ये है टाइप नंबर 1। अगर मैं ध्यान से देखूं, पहले हम टाइप नंबर 2 देखेंगे, टाइप नंबर 2 करने के बाद फिर मेरे पास क्या बचेगा, टाइप नंबर 1, क्लियर। अभी मी जो तीसरी कन्वर्जन होगी वो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन होगा, क्लियर। अब 203 डेसिमल 2 किसी भी बेस 8 में कन्वर्ट करना है, जिस भी बेस में 8 में कन्वर्ट करना है उसके साथ करेंगे डिवाइड, 8 × 2 = 16 8 × 2 = 43 बनेगा, 8 × 5 = 40, 3 मेरा एलसीएम बचेगा, फिर 8 पे जाएगा, 8 × 3 = 24, एलसीएम कितना आएगा 1, इसका मतलब आंसर कितना आ गया भाई 313, इसका मतलब 313, इसका मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे जो मेरी 1100101112 है इसको मैं डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ भाई 8 में, उसका आंसर कितना आएगा 313, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 313। अब इसका शॉर्टकट लिखिए, अगर ये तब ही वैलिड है अगर 2 से 8 तक जाना हो या 2 से आपने हेक्साडेसिमल में जाना हो, क्लियर। तो इसका भाई नोट करके पॉइंट लिखिए, जब भी आपने 2 से डायरेक्टली 8 में जाना है तो उसमें क्या करना है, आपने क्या करना है, जो भी बाइनरी नंबर आपको गिवन होगा आपने राइट को लेफ्ट की तरफ जाना है और 3-3 के पेयर बना लेने हैं, 3-3 के नंबर का एक पेयर बना लेना है, ये एक पेयर बन जाएगा, क्लियर। जो नंबर नहीं होगा, 3 नहीं बन रहे होंगे, एक अपनी तरफ से 0 लगा के उसको 3-3 में कन्वर्ट कर लेना है, क्लियर।
और हर एक पेयर का आपने डेसिमल नंबर लिख देना है, क्लियर। इसका मतलब इस पेयर का डेसिमल नंबर कितना होगा, इस पेयर का डेसिमल नंबर कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे 0 1 2, इसका मतलब 0 × 2 की पावर 2 0, ऐसे 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0, ये तो 0 हो जाएगा, 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1, आंसर कितना आया भाई 3। इसका मतलब पहले पेयर का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। दूसरा पेयर देखिए 0 1 2, ये तो 0 × something 0, 0 × something 0, 1 × 2 की पावर 0 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। इस पेयर का नंबर लिखिए भाई 0 1 1 का 0 1 2, इसका मतलब 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0, कितना आ जाएगा भाई 2 + 1 3, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 3 1 3। तो डायरेक्टली आप बता सकते हो, अगर मुझे बाइनरी इंटू ऑक्टल में जाना है, मींस बाइनरी इंटू 2 की पावर के केस में जितने के साथ आपने जाना है, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मान लीजिए बाइनरी नंबर आपको गिवन होता, आपने मान लीजिए 4 पे जाना है, 4 कैसे बनता है भाई 2 की पावर 2 करके, तो इसमें जो पेयर बनेगा वो 2 2 का बनेगा, क्लियर। अगर मैं इसको 4 में कन्वर्ट करूंगा, मैं अभी करके बताऊंगा आपको, तो इसमें 2 2 का पेयर हम बनाएंगे, क्लियर। अगर मान लीजिए 2 को आपने कन्वर्ट करना है भाई ऑक्टल में, ऑक्टल कैसे बनेगा 2 की पावर 3 करके, फिर ही 8 बनेगा ना, तो इसमें जो पेयर बनेंगे वो 3 3 के बनेंगे, समझ रहे हैं पॉइंट। तो इसमें पेयर कितने कितने के बनेंगे भाई 3 3 के। अगर मान लीजिए 2 को आपने कन्वर्ट करना है भाई किस में, 16 में, क्लियर। तो कैसे करेंगे भाई, 2 की पावर 16 होता है 4, तो इसका मतलब जब भी मैं बाइनरी को डायरेक्टली कन्वर्ट करूंगा हेक्साडेसिमल में, तो जो मेरे पास पेयरिंग होगी कितने कितने की होगी भाई, 4 4 की होगी, समझ रहे हैं पॉइंट। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्लियर अभी पॉइंट। तो अगर मुझे ये भी केस आ जाता है, अगर मुझे 8 को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, चलो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले 2 वाली देखिए, क्लियर। तो अब मैं इन दोनों को भाई सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्टली, और आपके इस मेथड के साथ भी, और डायरेक्टली जो मैं अप्रोच अभी बताया हूँ इसके साथ भी आपने कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। तो देखिए, मान लीजिए यही मेरे पास नंबर था, इसको आपने मान लीजिए 16 में कन्वर्ट करना था, ठीक है। 16 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 16 में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। तो डेसिमल में कन्वर्ट करके आपके पास आंसर कितना आया था, चलो अभी भूल गए हम, चलो फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 1011, ये 2 था। सबसे पहले इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब यहाँ पे बचा था 128, 64 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस आपके पास है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन गया था 10 1 11 11 जुड़ों के 75, इसका मतलब 8 5 13 हासिल गया 1 9 1 10, 2 और 1 1 और 1 2 हो जाएगा, इसका मतलब 203 बना था, क्लियर। तो इसका मतलब सबसे पहले आपने इसको क्या कर लेना भाई, 2 को 10 में कन्वर्ट कर लेना, कितना आंसर आया 203। इसके बाद इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बेस 16 में, तो 10 को 60 में कन्वर्ट करना है, जिस भी चीज़ में आपने कन्वर्ट करना है उसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 16 एक पे जाएगा 43 बच जाएगा, एक पे जाएंगे ना 43 बच गया, 43 16 × 2 32, तो कितना बचेगा भाई, डिवाइड करके देखो भाई, 16 एक पे जाएगा 4 यहाँ पे 3 32 1 1 11 बचा, 11 का मतलब क्या होता है, A का मतलब 10, B का मतलब 11, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा भाई B, क्लियर। तो इसका मतलब 12 को क्या लिखेंगे, 12 को क्या लिखेंगे भाई C, इसका मतलब इसकी जो कन्वर्जन होगी 203 की वो हो जाएगी सी बी, समझ रहे हैं पॉइंट, क्योंकि बॉटम टू ऊपर को जाएंगे ना, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ 1100 1011, इसकी जो कन्वर्जन होगी हेक्साडेसिमल में कितनी होगी, सी बी हो जाएगी, क्लियर। ये मेरी भाई कन्वर्जन हो जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 4 के पेयर बनाएंगे, ये मेरा 4 है, ये मेरा 4 है, 4 के कैसे पता चले, बिकॉज 16 का मतलब होता है 2 की पावर कितना, 4, इसका मतलब 4 4 की पेयरिंग होगी, क्लियर। तो इसका इंडिविजुअल का डेसिमल नंबर देखिए, इसका डेसिमल नंबर देखिए, और मेरा जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाएगी किस में, हेक्साडेसिमल में, क्लियर। तो देखिए भाई इस पेयर की नंबरिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3, 0 1 2 3, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 × 2 की पावर 3
प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, ये कितना बचेगा 8 प्लस 4 कितना बचा भाई 12। 12 को क्या लिखते हैं C। क्लियर, इस पेयर की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है 1 इंटू 2 की पावर 3, आगे नंबर कितना है 0 इंटू 2 की पावर कितना 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितना 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितना 0। तो कितना बचेगा भाई 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 8 2 10 1 11 दैट इज B। समझ पा रहे हैं भाई पॉइंट। अगर 2 के पावर की टर्म में आपने डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो उसकी पेयरिंग बना लो, तो पेयरिंग डिपेंड करेगी भाई वो कितने कितने की बनेगी। अगर ऑक्टल में जा रहे हो तो उसको देख लो 8 है, 8 मीन्स 2 की पावर 3, जो पावर में आएगा उतनी की पेयरिंग बनेगी। क्लियर, अगर मैं 4 में कन्वर्ट करना हूँ तो 2 की पावर 2 तो पेयरिंग कितने की बनेगी 2 की बनेगी। सिमिलरली अगर मुझे 16 में कन्वर्ट करना है तो पेयरिंग कितने की बनेगी भाई 4 की बनेगी। क्लियर, तो डायरेक्टली आप भाई ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज रूल याद रखिए, जब भी किसी आर बेस टू मैंने एस जाना है तो सबसे पहले बिटवीन मुझे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर फर्दर डेसिमल इनटू किस में कन्वर्ट करेंगे बेस 16 में करेंगे। समझ पा रहे हैं भाई इतनी बात। तो ये था भाई आपके पास इस लेक्चर में आपने सेकंड और थर्ड टाइप की कन्वर्जन देखी, तो आपने इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को लगाकर देखना है। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, आपको जल्दी ही उसका रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।